तो चलो यार फटाफट से पानी के अंदर कूदते। तो गाइस सर अभी हम आए शिनचैनो में यहाँ पे नहाने। वैसे हम इधर ही रहते हैं, यहाँ पे जो ये साइड में मिट्टी है ना, इधर ही हम सोते होते हैं। तो गाइस सर अभी अपन चलते हैं फटाफट से, यहाँ से मैं मस्त जंप करने वाला हूँ पानी के अंदर, बहुत ही मजा आएगा। और ये जंप करते हैं और भाई साहब मैंने मस्त जंप मार दिया और सीधे पानी के अंदर आ चुका हूँ। यार स्विमिंग करने का अलग ही मजा है, वो भी समुंदर के अंदर। अभी शिनचैन तू क्यों नहीं चल रहा? यही पे की आपको तो पता ही मैं रोज नहीं नहाता है। अरे हाँ वो बात भी सही है। एक काम कर रहा, मैं जब तक स्विमिंग कर रहा हूँ यार मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, देखो तो पता ही स्विमिंग करके। तो तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए क्या जा? अरे फिकी बे यार पैसे कौन देगा? पैसे तो तू ढूंढ लियो ना। अरे फिकी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे 5 रुपए दिए थे ना कल। अरे फिकी बे बस 5 रुपए ही है, उसमें कुछ खाने के लिए क्या आएगा? अबे कुछ तो आ ही जाएगा, जाना। अरे ठीक है फिकी बे, बोलती हूँ तो चला जाता हूँ। अरे फिकी बे अभी ना स्विमिंग भी खुद ही करते, खाना भी मेरे से ही मंगवा रहे। अरे यार कुछ काम नहीं करती, चलो फटाफट से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे अंकल मुझे 10 एप्पल और 10 केले दे दो। अरे बेटा लाओ 500 रुपए। अरे क्या 500 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए। अरे बेटा 5 रुपए में तो एक केला भी नहीं आएगा। अरे अंकल दे दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बेटा कम से कम 20 रुपए लेके आ। अरे अंकल देते हो कि मारो? अरे मेरे को मारेगा, अब बताता हूँ, निकल यहाँ से भग। अरे यार ये अंकल तो मुझे दे ही नहीं रहे खाना, यार मैं क्या करूँ यार, फेंकी बे को क्या बोलूंगा यार। अरे चलो फेंकी बे के भेज देते हैं, किसने उड़ा दिया मुझे? अबे मुझे शिनचैन की चिल्लाने की आवाज है और एक कहीं पे गाड़ी भी रुकी है। एक सेकंड, यहाँ पे किसी की गाड़ी टूक गई। शिनचैन, अबे शिनचैन, शिनचैन क्या हो गया तेरे को? अबे शिनचैन उठ जा। अरे फेंकी बे मेरे को मार दिया। अबे तूने शिनचैन को ठोका, पागल है क्या? तो तेरे में दिमाग नहीं है? अरे मेरे चैन पूछ के नहीं मारा, ये बच्चा सामने आ गया था और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। अबे शिनचैन उठ जा। अरे फेंकी मैं ठीक हूँ। अरे बेटा सॉरी सॉरी मैंने तुमको ठोक दिया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम इलाज करा लेना। अरे यार दो दो पैसे दो। अरे बेटा पैसे देने के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए होगी और मेरी गाड़ी तो खराब हो गई। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई? अरे क्या तुम्हें गाड़ी ठीक करना आती है? अरे हाँ फेंकी भी मैंने बहुत साल से मैकेनिक का काम किया है। अरे वाह फटाफट से ठीक कर दो। ठीक तो मैं कर दूंगा पर पैसे तो दोगे ना अब? अरे हाँ पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है अभी फटाफट से ठीक कर देता हूँ। तो देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आ चुकी है, इसके तो सारे के सारे पार्ट्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। अरे तुम ठीक करो जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। 2 मिनट रुकना मैं लेके आता हूँ, जब तक ठीक करो। अरे फेंकी जब तक मैं इसके सारे के सारे कांच साफ कर देता हूँ। अरे हाँ शिनचैन करते करते। तो गाइस यार अभी मैंने सबका सब ठीक कर दिया, इसको फटाफट से चला के देखते हैं क्या ये गाड़ी पहले जैसे ठीक हो चुकी है। और हाँ ये तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ये तो मस्त से चलने भी लग गई वापस से पहले जैसे। अरे यार मैं आ गया तुम्हारे लिए पिज्जा लेके, ये लो पिज्जा खाओ, क्या मेरी गाड़ी ठीक हो गई? अरे हाँ तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल पहले की जैसी हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे थैंक यू। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरी भी गाड़ी का काम है, मतलब मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ तो तुम मेरी गाड़ियाँ ठीक कर देना। अरे हाँ मैं कर लूंगा, कोई भी काम कर लूंगा। अरे ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये देखो ये है मेरा शोरूम, यहाँ पे मैं बेचता हूँ गाड़ियाँ, अभी यहाँ पे बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे सिर्फ एक जना मेरे साथ काम करता है, आज से तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे। अरे हाँ ठीक है ये तो बहुत ज्यादा बड़ा, यहाँ पे कितनी मस्त मस्त गाड़ियाँ खड़ी है। अरे तो तुम काम तो कर लोगे ना? अरे यहाँ बिल्कुल ढंग से काम कर लूंगा। अरे फेंकी भाई मैं करना क्या होगा? अरे तो मैं बस यार गाड़ियों का ध्यान रखना है और कोई भी कस्टमर आए तो उनको गाड़ी दिखानी है और मैं कहीं मीटिंग पे भेजू तो उनको मीटिंग पे भेजाना है। और ये जो एक लड़का काम करता है ये गूंगा बहरा है तो इसको कुछ बोलना मत, जल्दी से जाके फटाफट से कपड़े चेंज करके आ जाओ क्योंकि तुम नंगे नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है ना मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। तो गाइस यार अभी मैंने पहन लिया बिल्कुल सूट वूट, नीचे यार पैंट मिली नहीं तो मैंने चड्डा ही पहन लिया। अभी तुम फटाफट से उस मीटिंग में चले जाओ, उनसे पेपर जरूर लेके आना। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो गाइस यार अभी मुझे जाना है एक मीटिंग में, उनसे जाके मुझे यार पेपर्स लेके आने, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है। तो फटाफट से अपन चलते इस वाली गाड़ी में। शिनचैन ढंग से काम करियो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो गाइस यार फटाफट से इनके पेपर्स लेके आते हैं। अरे मुझे एक सुपर कार चाहिए, मैं पहली बार कार खरीद रही हूँ। अरे दीदी ये वाली गाड़ी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी, क्या तुम मुझे टेस्ट ड्राइव लेके दिखा सकते हो? अरे ठीक है अभी आपको चला के दिखाता हूँ। कि देखो ये यार यहाँ बटन से चालू होती है और ये मस्त चलती है गाड़ी और ये मस्त आवाज भी करती है, बताओ कैसी लगी? अरे थोड़ा और चला के दिखाओ ना। अच्छा ये देखो नीचे चला के आता हूँ यार, ये बताओ कैसी लग रही है? अच्छी तो है, थोड़ी और चलाओ। अरे मेरी बात सुनिए, वो जो लड़का आपके काम करते है ना वो आपकी गाड़ी चुरा के भाग रहे हैं। अरे क्या कहा है वो? अरे वो आता ही होगा। अरे दीदी देखो मैंने आपकी गाड़ी की पूरी टेस्टिंग कर ली, आपको कैसी लगी गाड़ी? अरे तुम क्या कर रहे थे, मेरी गाड़ी चुराओगे, निकलो ऐसे। अरे मैंने कौन सी गाड़ी चुराई? अरे अंकल क्यों मार रहे मुझे? अरे मुझे क्यों मार रहे, मैंने क्या किया? मेरी गाड़ी चुराएगा मैं तेको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे मैंने कौन सी गाड़ी चुरा ली, क्यों मार रहे, पागल हो गई हो क्या? अरे छोड़ दे मुझे। तो गाइस यार जहाँ पे मैं गया था यार मेरा काम तो नहीं हो पाया, तो फटाफट सर को अपन चल के बता देते हैं कि हमारा काम नहीं हो पाया, मुझे फाइल भी नहीं मिली। एक सेकंड यहाँ पे क्या चल रहा है, शिनचैन सो क्यों रहा है? अरे फेंकी भाई मुझे मार रहे हैं। हैं क्यों मार रहे हो? अबे शिनचैन ने क्या किया? अरे तुम्हारा लड़का यार यहाँ पे गाड़ी चोरी कर रहा था, इस आंटी ने बताया। अबे शिनचैन उठ जा। अरे फेंकी मैं गाड़ी नहीं चोरी कर रहा था, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं वापस तो नहीं लेके आता। अबे तू बता,
अबे इसको तो बोलना भी नहीं था, इससे क्या पूछूं। सर यार शिनचैन मना कर रहा है तो उसने चोरी नहीं की होगी। अरे तुम मेरी बात सुनोगे कि शिनचैन की बात सुनोगे? शिनचैन तूने चोरी करी थी कि नहीं? यही विकी भी नहीं करी थी तो बस फिर इनको मैं मारूंगा। शिनचैन ने बोल दिया कि चोरी नहीं की मतलब चोरी नहीं की, और चोरी करता तो गाड़ी तो ना वापस लेके था। सही बात है। और ओ भाई ये ले, तू शिनचैन को मारा था ना, यही विकी भी इसने मुझे बहुत मारा है। अभी तू भी निकल यहां से, तू क्या देख रहा है मुझे? तू कहा सर अभी इन तीनों को मैंने मार दिया, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है। शिनचैन आज से शोरूम का ओनर तू है, आज से ये सब तू चलाएगा, मैं तेल काम करूंगा। अरे कैफे की बे सही में? अरे यार शिनचैन सही में, तो गाइस यार आज से ये कार का शोरूम हमारा है और आज से हम यहीं पे बिजनेस करेंगे और ये सारी गाड़ियां भी अब से हमारी है। ओ तनु सूटे सूटे कर दा, ओ मैं आ गया आ गया। अरे यार सॉरी सॉरी यार, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया यार, चलो मैं सीधा तुम्हारे शोरूम पे आ गया। अरे तुम्हारे बॉस कहां है? अरे ये तो रे बॉस। अरे मैं ही बॉस हूं। अच्छा तुम ही बॉस हो, तो मेरी बात सुनो, मुझे ये शोरूम खरीदना जैसा कि मैंने तुमसे बात करी थी। हां ले लो 500 मिलियन में। अरे क्या तुमने 500 मिलियन घटा दिए? तुमने तो 1 बिलियन बोला था। अरे मतलब 500 मिलियन बाइक के और 500 मिलियन कार के, तो 1 बिलियन हो गए ना। अरे हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ यार। अभी यार ये सारी की सारी गाड़ियाँ मुझे चाहिए। अरे हाँ आज से आपकी है, फटाफट से मुझे 1 बिलियन दे दो। अरे हाँ नाम बोलो तुम्हारा। मेरा नाम फ्रैंकलिन। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें बैंक ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारे पास पैसे आ चुके होंगे। अरे हाँ आ गए आ गए। तो ठीक है आज से ये शोरूम मेरा, तुम जाओ यहाँ से। है पर हम जाएंगे कैसे, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। एक काम करो, जो मैं गाड़ी में लाया हूँ ना वो तुम रख लो। है सही में, चलो चलो यहाँ से निकलते। गाइस यार फ्री के 1 बिलियन डॉलर मिलके पता नहीं कौन सी इन्होंने मीटिंग फिक्स करी थी शोरूम बेचने की, पर हम यार लेकर निकल चुके इस वाली गाड़ी को और हमें 1 बिलियन डॉलर मिल चुके हैं, तो उसको हम बहुत ही ज्यादा चीजें लेने वाले, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शिनचैन तू फटाफट से अपना पार्टी हाउस दिखा, मैं यार आता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस यार शिनचैन आपको दिखाएगा पार्टी हाउस, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेने जा रहा हूँ। अरे गाइस यार अभी हमको दिखाता हमने नया नया पार्टी हाउस लिया, यहाँ पे हम रोज पार्टियां करेंगे। ये देखो यार यहाँ पे कितना मस्त है, यहाँ पे पूलिंग टेबल है और यहाँ पे टीवी भी है बहुत ही बड़ा, यहाँ पे रोज एक्शन कमी आता है, मैं पूरा दिन एक्शन कमी देख सकता हूँ। और गाइस यार यहाँ पे हमारा एक और रूम बना हुआ है, ये देखो इसको भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे मस्त टीवी लगी हुई है, यहाँ पे यार बहुत सारी बंदूकें पड़ी है ऐसे फालतू में खेलने के लिए, और यहाँ पे बाथरूम है। और मेन चीज आपको नीचे चल के दिखाता हूँ, चलो यहीं से जंप मार लेते हैं। हमारा यहाँ पे देखो कितनी सारी बोट है हमारे पास, यहाँ पे हमने खुद का डॉग बना रखे हैं और यहाँ पे हम आराम से मजे कर सकते हैं। हबीबी कैसा मैं लगती, फटाफट से कमेंट करती, फटाफट से कमेंट में बताती कैसा मैं लगती इस हबीबी ड्रेस में। अभी ये मेरे पास मैजिक कारपेट होती, हम इसको उड़ा के दिखाती, कारपेट उड़ जाती, कारपेट उड़ जाती। रुको रुको ये हमारी बात नहीं मानती, कारपेट बेटा उड़ जाती। अरे हमारा कारपेट उड़ जाती। वल हबीबी हमारा नाम फ्रैंकलिन हबीबी और ये हमारा घर हबीबी, ये हमारी बोट हबीबी और यहाँ पे शिनचैन हबीबी। अरे विकी भी कैसी हो, बहुत ही खतरनाक लग रही हो। शिनचैन हबीबी थैंक यू हबीबी। हबीबी ये हमारा घर होती, यहाँ पे हम रहती, यहाँ पे हम पार्टी करती, यहाँ पे फुल मजा करती, और हमारा फ्लाइंग कारपेट भी मजा करती, हमारा लालू लाम हेलीकॉप्टर भी मजा करती। हबीबी तुमको कौन सा कलर पसंद होती फटाफट से कमेंट करती। ये हमारा लालू हेलीकॉप्टर होती। हमारे पास चार चार बोट होती, एक बड़ी बोट होती, एक छोटी बोट होती, एक सबमरीन होती और तीन चार और बोट होती, नाम याद नहीं होती। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही होती। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होती तो लाइक करती, चैनल को सब्सक्राइब करती और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन और फॉलो करती, और मैं मिलती आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय होती।